आई टेल यू वन थिंग, स्लम रीडेवलपमेंट ये अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत शिवसेना ने की थी. शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने SRA जो स्कीम जो है के मुंबई के हर गरीब को घर मिलना चाहिए, शुरुआत अगर आप देखेंगे तो स्लम रीडेवलपमेंट ये शिवसेना सिर्फ बाला साहब ठाकरे जी का सपना था इसलिए ये शुरू हुआ. और उसके बाद प्रोसीजर शुरू हुई, उसके बाद लोगों को घर मिलना शुरू हुआ. पर आज ये चीज़ है लैंड माफिया वहाँ पर बन के बैठे हैं, बाहर से जो माइग्रेंट्स आए हैं वो वहाँ पर आज बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं. हर चीज़ का एक लिमिट होता है, देर इज़ अ लिमिट फॉर ईच एंड एवरीथिंग. आज लिमिट क्रॉस हो रहा है, ज़मीन उतनी है और मुंबई ये एक ऐसी जगह है जिसको बढ़ने के लिए और जगह नहीं है. तीन बाजू से पानी है, तीन साइड से पानी है, सिर्फ एक साइड से बढ़ सकती है और वहीं पे एक ही जगह पर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और बढ़ते जा रहा है. तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में इस चीज़ का प्रॉब्लम तो हमको आने वाला है. पर फिर भी इसके बाद अगर आप देखेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आज पिछले 15-20 सालों से शिवसेना के साथ है, जब से शिवसेना के साथ है तब से पानी के लिए देखिए, रास्ते के लिए देखिए या बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके लिए ड्रेनेज लाइन के लिए देखिए, बहुत सारी चीज़ें शिवसेना ने की है इस कॉरपोरेशन में रह के और आगे भी करना चाहती है और करती रहेगी. हुए वो आर स्टेइंग इन मुंबई फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, मोर देन 15-20-25 ईयर्स. दे आर हिंदूज, दे आर मुस्लिम, दे आर महाराष्ट्रियन, दे आर गुजरातीज, दे आर तमिलियंस, दे आर मलयालीज, दे आर ऑल काइंड ऑफ रिलीजन, दे आर ऑल काइंड ऑफ कास्ट, ऑल द पीपल स्टेज टुगेदर. हमारा ये कहना है कि जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे वहाँ के रूल्स फॉलो होते हैं. आप यहाँ पर आ रहे हैं, महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र में रह रहे, मराठी आपने सीखनी चाहिए, महाराष्ट्रियन जो रीति रिवाज है वो भी आपको एटलीस्ट पता चलनी चाहिए और कहीं अपोज नहीं होना चाहिए अननेसेसरी. आप बाहर से आएंगे और आप महाराष्ट्रियन लोगों को या मराठी लोगों के अपोज में अगर कुछ करते हैं तो मुझे लगता है वो गलत है. पाकिस्तान को अगर सपोर्ट करें, इंडिया पाकिस्तान जीतने के बाद जो फटाके फोड़ रहा है तो या वहाँ पे लीगल थोड़ी है. जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है, कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए फटाके छोड़े तो क्या उन्हें भी टारगेट किया जाएगा? आप हमारा प्रॉब्लम यही है हमारे कंट्री में कि हमारा यूथ आज भी ये नहीं समझ रहा है कि हमारे पॉलिटिशियन हम किस तरह से हमें गुमराह कर रहे हैं. आप यही चीज़ व्हाट यू आर सेइंग इन मुंबई एंड महाराष्ट्र, यू कैनॉट से दिस इन पाकिस्तान. कि अगर हिंदुस्तान जीतता है वहाँ पे देर इज़ नो से इन पाकिस्तान. यू कैनॉट से कि इंडिया जीता इसलिए मैंने फटाके फोड़े, वहीं पे आपकी गर्दन काट दी जाएगी, गर्दन काट दी जाएगी, जो यहाँ पे नहीं होता. तभी तो इंडिया जो है हम उसको इतना अच्छा देश मानते हैं. अच्छा देश मानकर सिर्फ फायदा नहीं है. आज जितने यूथ आज देखेंगे टेररिज्म जो बढ़ रहा है, जितने टेररिस्ट, नॉट एवरी मुस्लिम इज अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम. इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. Not at all. I haven't seen yet. There have been cases like Sadhvi Ritumbara. Watch he? तो हिंदू भी डर रहे, सिर्फ मुस्लिम क्यों डरेगा? हिंदू भी डर रहे. आज population कितना है उनका? They are not minorities. We are saying minorities. They are not minorities actually. They are about 15%. Just 15%. Above 15%. They are not 15% in Baba. They are 20% or 25%. 20% में ही आज MIM का चीफ आज यहाँ पे बोलता है कि मुस्लिम हटा दो, मैं पूरे के पुलिस हटा दो, मैं पूरे के पूरे हिंदुओं को खत्म कर दूंगा. आज 20% के साथ अगर ये बात कर रहे हैं तो 25% के बाद आप क्या सेफ हो गए, ये आप सोचिए. ये आपके लिए सोचने की बात है, मेरे लिए नहीं. मैं तो अपने आप की, मेरे फैमिली की और मेरे आसपास के लोगों की मैं हिफाजत कर लूँगा. आपकी हिफाजत कौन करेगा? एक शिवसैनिक की करेगा, इतना याद रखना. आपकी हिफाजत एक शिवसैनिक की करेगा. आप भागोगे शिवसेना की शाखा की तरफ, भागोगे पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं भागोगे. उस वक्त जब ये बड़ा क्राउड आपके घर की तरफ आ रहा होगा, आप पुलिस की तरफ, और उन लोग में भी वो गट्स नहीं होंगे आपको सेव करने के लिए, उस वक्त आप भागोगे एक शिवसेना के शाखा प्रमुख या शिवसेना के कोई पदाधिकारी के पीछे कि मेरी जान बचाओ, मेरे घर वालों की जान बचाओ. एंड इट हैज हैपेंड माय डियर, इट हैज हैपेंड इन मुंबई एंड इन महाराष्ट्र. जो हमने देखा है, जो हमने सहा है, इसीलिए शिवसेना, अगर वो उस वक्त शिवसेना नहीं होती थी तो एक भी हिंदू उस वक्त मुंबई में नहीं बचता था, ये भी मैं कहता हूँ. एक भी हिंदू नहीं बचता था. Police have supported Hindus, Shivsenics that time. Police had supported Hindus that if Shiv Sena is not there, we will not survive. Police wale bhi nahi bachte the us waqt. My dear, you should read history for that. You should read, you should get the information from the old people what has happened in Mumbai and Maharashtra. How many times Shiv Sena have saved these Hindus? We are not against Muslim, but we are against Muslim whoever comes to my family. मेरे घर के अगर कोई आसपास दिखेगा
तो हम ये सहन नहीं करेंगे, वो अगर हमारे हाथ तोड़ने जाएंगे तो हम भी उसका जवाब उसी तरह से देंगे, समझे। आई नो शिवसेना, आई एम शिवसैनिक, प्योर शिवसैनिक और बाला साहेब ठाकरे।